बहुत सारे लोगों का कंपैरिजन है गैंग्स ऑफ वासेपुर से और बिकॉज ईशान हैज रिटन दैट फिल्म एज वेल तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई एंड ऑल ऑफ अस आर रियली एक्साइटेड आई जस्ट होप एंड प्रे कि इट्स अ सुपर डुपर सक्सेस थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट थैंक्स थैंक यू सो मच जयदी बहलावत वेरी वेल क्योंकि वो हमारे साथ कमांडो फिल्म में हम साथ में काम कर चुके हैं आई थिंक इज अ ब्रिलियंट एक्टर एंड उन्होंने सिंस स्क्रिप्ट चूज़ करी है तो आई एम श्योर कि उन्होंने बहुत ही अच्छी बहुत ही उमदा स्क्रिप्ट चूज़ करी होगी उन्होंने मेरे को थोड़ी स्टोरी भी बताई है एंड दैट्स आई वाज रियली एक्साइटेड इनफैक्ट आज सुबह से आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू मेरेठिया गैंगस्टर्स का स्क्रीनिंग सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी द फिल्म एक्चुअली लड़की हूँ और बहुत सारी नॉर्मल लड़कियों की तरह मुझे रोम कॉम्स या रोमांटिक फिल्म म्यूजिकल्स बहुत अच्छी लगती है बट फॉर अ चेंज आई डोंट माइंड अ गुड गैंगस्टर फिल्म लाइक गैंग्स ऑफ वासेपुर वॉज एन अमेजिंग फिल्म बदलापुर वॉज एन अमेजिंग फिल्म जब आई थिंक फिल्म की स्टोरी जो स्क्रिप्ट होती है वो अच्छी होती है और ख़ास करके अगर एक्टर्स उसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो इट मेक्स ऑडियंस लाइक अस एंड यू गाइस इट मेक्स द फिल्म वर्थ वॉचिंग सो दिस इज एक्जैक्टली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मेरेठिया गैंगस्टर्स क्योंकि मुझे पता है स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है और एक्टर्स ऑफ कोर्स बहुत अच्छे हैं सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो व्हाट कमांडो के बाद ना मैं थोड़ी बहुत ज़्यादा आई थिंक सुपरस्टिशियस हो गई हूँ क्योंकि कमांडो के बाद दो फिल्में अनाउंस हुई थी दैट इज रूपनगर की चीज़ें एंड कमांडो टू एंड दोनों डिड नॉट हैपन सो नाउ आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक अबाउट माई फिल्म एंड आई विल लेट प्रोड्यूसर स्पीक लेट द फिल्म गेट रिलीज एंड प्रमोशन में हम बात करेंगे उससे पहले भी मैंने कसम खा ली है कि मैं कोई फिल्म के बारे में बात नहीं करूँगी आई बिकम रियली सुपरस्टिशियस सॉरी बॉलीवुड या हॉलीवुड आई लव जब्बी मैन आई एम अ ह्यूज जब्बी मैन फैन इवन ये जवानी है दीवानी दैट इज माई स्पेस सो या जब्बी मैन एंड ये जवानी है दीवानी बोथ आर माई फेवरेट फिल्म थैंक यू बहुत तारीफ सुनिए गैंग्स ऑफ वासेपुर जिस इंसान ने लिखा है ईशान कादरी जिनका नाम है उन्होंने खुद डायरेक्ट किए तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेरेठिया गैंगस्टर में कितना मसाला होगा कितनी और एक एक क्यों इंसिडेंट पे है तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ ये फिल्म देखने के लिए और बहुत ही स्लीक फिल्म बनाई है एक अच्छी फिल्म बनाई और उसके लिए हम लोग आए हैं मैं सोचो मैं 9:40 का शो मैं 9:15 को ही आ गया उससे पता चलता है कि
How excited to see this film? नहीं बहुत अच्छे एक्टर्स हैं सारे जितने नए अगर आप देख रहे हैं सारे बहुत ही काबिल एक्टर हैं उनमें कुछ एक्टरों के साथ मैंने काम भी किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे चरित्र हैं कैरेक्टर हैं दे आर गुड एक्टर्स देन ऑडियंस को अच्छे एक्टर्स चाहिए और स्टारडम और एक्टर दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है नए प्रोड्यूसरों का स्वागत है मैं डेफिनेटली मेरिठिया गैंगस्टर के प्रोड्यूसर को बहुत ही साधुवाद दूंगा कॉन्ग्रेट्स कहूंगा कि उन्होंने गट्स करके ये फिल्म पे नए चेहरों पे पैसा लगाया और ही मेड द फिल्म सो ऑल मतलब ऑल थम्स अप टू हिम उनको और ऐसे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आने चाहिए जो नए एक्टरों को और नई कहानी को या नए डायरेक्टर को ब्रेक दें ऑल टाइम फेवरेट बॉलीवुड की मेरी फिल्म बहुत हैं शोले ऑल टाइम फेवरेट और यस मुकद्दर का सिकंदर सवाल तो करेंगे वही जैसे कि बचपन में करता था हाई स्कूल के पेपर के टाइम पे और सेकेंडरी जब अपन स्कूल के पेपर देते थे वही एग्जामिनेशन तो आठ मार्क पता लगेगा कि आज आज उनकी रिपोर्ट पढ़ती थी जो क्वेश्चन कर रहे दिखाया था तो अच्छी लोग बहुत अच्छी आई होप बहुत बढ़िया जिसमें जितना तालाजी है एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई होते हैं आई एम श्योर कि बहुत अच्छी फिल्म होगी प्लस जो राइटर है डायरेक्टर है गैंग्स ऑफ वासेपुर के जो जिशान कादरी जी हैं उनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशन की डेब्यू फिल्म है और जिशान के बहुत होटल ब्यूटीफुल यस यस 2016 की बिगनिंग में रिलीज है अभी पोस्ट प्रोडक्शन ऑलमोस्ट हो गया है डबिंग शुरू करेंगे और फर्स्ट कॉपी नवंबर में आएगी तो उसके बाद फिर फुल ऑन मार्केटिंग और पब्लिसिटी शुरू हो जाएगी 2016 में पक्का रिलीज हो जाएगी और उसमें जो रोल है जी का वो तो सबको देखने वाला है थैंक यू